बटन चैनल। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं ट्रेंडिंग रेसिपी। तो दोस्तों जो भी कर रहे हो रुक जाओ थोड़ी देर के लिए और देख लो ये रेसिपी एटलीस्ट, क्योंकि आज हम बना रहे हैं चीज गार्लिक पापड़ ट्विस्टीज। और उससे पहले हम लोग एक ट्रेंडिंग दीदी को बुलाने वाले हैं। हाय। हेलो। हाय गीत। हाय सियाना। कैसे हो आप दोनों? एकदम मस्त। तो आज क्या करने वाले हैं? कुछ तो अलग दिख रहा है इधर मेरे को। क्या करने वाले अपन? आज हम बनाने वाले हैं चीज पापड़ ट्विस्टर्स। ये क्या नया आ गया यार, चीज पापड़ ट्विस्टर, ये क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है? ये तो बहुत इजी है। ओके ठीक है, पर ये मेरे को बहुत अलग ही सा लग रहा है यार। बहुत सारा पापड़ सुने पर ये चीज पापड़ ट्विस्टर क्या है? हम आपको बोलते जाएंगे, आप फॉलो करते जाएंगे। ओके ठीक है, पर इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं? पापड़, बटर, ग्रेटेड चीज, क्रंची गार्लिक सीजनिंग, गार्लिक चिली फ्लेक्स, इटालियन सीजनिंग, मेयोनीज। तो क्या है इसका पहला स्टेप सियाना? टेक अ बाउल। टेक अ बाउल। ओके यस आई हैव इट। एंड मिक्स बटर। ओके नेक्स्ट स्टेप, ग्रेटेड चीज। यस। ओके चीज पूरा डाल देना, पूरा पूरा एक पीस की ये तीनों? पूरा एक पीस। एक पीस ना? ओके डन। यार चीज मेरे को भी पसंद है, तो एक काम करते हैं एक और पीस डालते हैं। हाँ, मजा आएगा। मजा आएगा। फिर बताओ उसके बाद क्या है? All the seasoning and mix it. ये थोड़ा कम ही डालना क्योंकि तीखा हो जाएगा तो फिर मजा नहीं आएगा। मेरे को तो तीखा पसंद है, मैं ज्यादा डालू? नहीं। अच्छा ठीक है थोड़ा डालता हूँ। बस बस बस। नहीं 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 नहीं। ये है क्रंची गार्लिक, इसको डालेंगे। ये कम ही डालना थोड़ा सा। गीत गार्लिक थोड़ा सा। बस बस बस, नहीं तो ज्यादा अजीब सा हो जाएगा। कड़वा हो जाएगा, कड़वा। अभी इसको मिक्स कर लेते हैं। ओके। कुछ तो अलग ही बनने वाला है ऐसा लग रहा है मेरे को। ये लो आप करो, मुझे तो डर ही लग रहा है। सियाना आपको आता है मिक्स करने? आप मिक्स करो इसको। सबसे इजी ना वो वाला होता है मिक्स करने का, चॉपर। वाह 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 वाह। ये कौन सा मिक्स करा भाई? हम लोग क्या बना रहे हैं पता नहीं है, पूरा ऐसा चिपक गया आपस में। ये इससे निकल जाएगा? मिल भी नहीं रहा है। हम तीनों कुछ तो नया ट्विस्टर पापड़ बना रहे हैं, जो ये ट्रेंडिंग वाला रेसिपी है वो नहीं हो रहा इधर। यस हमारा फर्स्ट स्टेप हो चुका है कंप्लीट। अब गीत सियाना बताओ मेरे को कि नेक्स्ट स्टेप क्या है आगे का? नेक्स्ट टेक द पापड़, डिप इट इन वाटर फॉर 30 सेकंड्स एंड टेक इट आउट ऑन अ प्लेट। तो इसको पानी में थोड़ा देर तक डिप करना है और फिर इसको बाहर निकालना है। देखने में तो अच्छा ही लग रहा है। Now spread the mixture that you have made on the papad evenly। तो ये वाला मिक्सचर अपन स्प्रेड करेंगे। इसे बहुत हल्के से निकालना पड़ता है, ये तो कभी कभी पापड़ ना टूट भी जाते हैं और फिर अपनी सारी रेसिपी बिगड़ जाएगी। सारी रेसिपी बिगड़। तो अभी ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया है, इसके बाद क्या करना है हमें? टेक द कटर एंड कट द पापड़ इनटू लॉन्ग पीसेस लाइक स्टिक्स। ओके तो इससे खत्म पिज़्ज़ा। इसके बाद क्या करना था अपने को? ट्विस्ट करना इसको। ऐसा ट्राई करो ट्विस्ट करने का। इस रखो। हाँ। तो देखो कि कितना प्यारा लग रहा है, और ये बनेगा तो और मजेदार। और आप दो बार मत करना, नहीं तो ये खराब हो जाएगा। एक बार करेंगे तो फिर और अच्छा लगेगा। हम तीनों आपस में ट्विस्ट तो कर रहे हैं, पर आप लोग ट्विस्ट करते करते सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब ना। देखो ये इसकी हालत, झुमका।
पापड़ ट्रेंडिंग हो चाहे ना हो, पर ये जो झुमका बोली है ये जरूर ट्रेंडिंग होगा। एक और झुमका। तो ये स्टेप हो चुका है कंप्लीट। तो क्या है हमारा नेक्स्ट स्टेप? Put those cut pieces in the air fryer for about 10 to 15 minutes. ये देख रहे हो ये कैसा लग रहा है? कि ज्यादा अट जाए थोड़ा सा। This is very small but अब तो इतना ही डालना पड़ेगा। हाँ, इसको ऑन इस तरह से कर दो। 15 minutes later. तो अपना पापड़ एयर फ्रायर से आ चुका है, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। 10 to 15 minutes रखना था अंदर। ये पापड़ ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो हम तीनों अभी इसको खा के बताएंगे कि ये एक्चुअल में ट्रेंड के लायक है कि नहीं। और मेयो हम तीनों को पसंद है बिल्कुल, तो हम लोग उसके साथ ट्राई करेंगे। पहले तो मैं इससे देखती हूँ कि कैसा लगता है। ये देखने ऐसा टच करने में तो बहुत क्रंची लग रहा है। ये वाला तो बहुत सही था। वेरी गुड। ट्राई सच में करो, सच में यार बहुत ज्यादा अच्छा है। कोई घर में आया तो उसको ये बना के खिलाओ, बहुत जल्दी भी बन जा रहा है और तुमको भी मजा आ जाएगा और उसको भी मजा आ जाएगा जो घर पे आया। चीज पापा ट्विस्टर इतना यम्मी, इतना क्रंची है ना कि बस इसे खाते जाए। तो आप लोगों को भी ये ट्राई करना चाहिए और ये ट्रेंडिंग के लायक है, तो हम लोगों को इसमें बहुत मजा आ रहा है एंड ये बहुत बेस्ट है। तो आपको और ऐसे खतरनाक और डिफरेंट टाइप ऑफ रेसिपीज देखने हैं तो आप सब लोग लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल बटन। बाय बाय।